चलो देखो बच्चों, हम अब नेक्स्ट पार्ट में, लेसन का नेक्स्ट पार्ट में कोल टार के बारे में रीड is करेंगे। not a single compound. It is a mixture of more than 200 different carbon compounds. Coal tar can be separated into many chemical substances by the process of fractional distillation. These chemical substances obtained are used as starting materials for manufacturing dyes, explosives, paints, varnishes, plastics, synthetic fibers, photographic materials, roofing materials, etc. Coal gas is also obtained by the destructive distillation of coal. It consists of three combustible gases, namely hydrogen, methane, and carbon monoxide. It has a high calorific value as both hydrogen and methane have high calorific values. It burns to produce heat. That is why it is an excellent fuel. Ammonium compounds. During destructive distillation of coal, ammonium compounds are produced which, when dissolved in water, form ammoniacal liquor. It is used to manufacture nitrogenous compounds. How petroleum was formed? Petroleum oil was formed by the decomposition of the remains of extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago. It is believed that millions of years ago, the small plants and animals which देखो बच्चों, कोल टार क्या है? वो एक प्रकार का ब्लैक कलर का वाइगियस लिक्विड है। मींस कोल टार का मतलब है डामर, जो हम रोड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एंड उसकी स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल को बहुत ही गर्म करके उसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो एक सिंगल कंपाउंड का नहीं है, वो मिक्सचर है 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से ये कोल्टार बनाया जाता है। और कोल्टार कैन बी सेपरेटेड इनटू मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस सच एज टोलीन, बेंजीन, नेप्थलीन, फिनॉइल एक्सेट्रा। देखो फिनाइल के लिए, फिर नेप्थलीन बॉल्स मीन्स डामर गोली के लिए इसका इस्तेमाल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज केमिकल सब्सटेंस आर यूज एज रॉ मेटेरियल, मीन्स एक कच्चे माल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है इसका? डाइस बनाने के लिए, फिर एक्सप्लोसिव पैंट्स मींस महंगे महंगे पैंट्स बनाने के लिए, वार्निशर्स, फिर पेस्टिसाइड्स मींस जो पेस्ट को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है पेस्टिसाइड, फिर प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स है एक्सेट्रा मटेरियल्स में इसका कोल टार का इस्तेमाल होता है। अब हम कोल गैस के बारे में देखेंगे। कोल गैस क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव ये सभी कोल को डिस्ट्रक्ट करके ही उसमें से अलग अलग केमिकल्स डालकर बनाए जाते हैं। तो कोल गैस कंसिस्ट ऑफ थ्री कंबस्टेबल गैसेस। तो कोल गैस के अंदर तीन कंबस्टेबल गैसेस है, उसका नाम है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोल गैस इज हाई क्लोरीफिक वैल्यू, ड्यू टू हाई क्लोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन एंड मीथेन बर्न्स। तो कोल गैस के अंदर जो हाई क्लोरीफाइक वैल्यू है, जिसकी मदद से हाइड्रोजन और मीथेन गैस बर्न होते हैं, जलते हैं। इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। तो ये जलने से हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हाई इट इज एक्सलेंट फ्यूल, मींस वो बहुत ही अच्छा फ्यूल है। अभी अमोनियम कंपाउंड के बारे में देखेंगे। अमोनियम कंपाउंड क्या है? तो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, उसको अमोनियम कंपाउंड में अलग डिजोल्व किया जाता है। उसके अंदर वाटर डालकर अमोनियम लिक्विफायर बनाया जाता है केमिकल डालकर। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड, मीन्स ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पेट्रोलियम। लिव्ड इन द सी डाइड वेयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड वर सून कवर्ड विद क्ले एंड सैंड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ड्यू टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर action of bacteria and in the absence of air, the dead remains of small plants and animals were slowly converted into petroleum oil and natural gas. Petroleum is a dark colored and thick oily liquid. It has an unpleasant smell. In Greek language, petro means rocks and oleum means oil. So the word petroleum means oil from rocks. Formation of petroleum. Petroleum was formed
By the decomposition of the dead remains of plants and animals buried under the sea millions of years ago, petroleum is a mixture of several hydrocarbons having one to more than 100 carbon atoms. It is believed that millions of years ago, the plants and animals which lived in the sea died. Their dead bodies sank to the bottom of the sea and were soon covered with clay and sand. Over millions of years, under high pressure and temperature, and in the absence of air, the dead remains of plants and animals were slowly converted into petroleum. It then passed through porous rocks and got trapped between non-porous, impervious rocks. A more volatile component of petroleum, called natural gas, forms a cover over it. How petroleum is obtained? देखो बच्चों, अब हम पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। पेट्रोलियम एक डार्क कलर थिक ऑयली लिक्विड है, मींस घट लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लीजेंट स्मेल, मींस पेट्रोल की स्मेल है जो अनप्लीजेंट है। इन ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक की भाषा में पेट्रा मींस रॉक्स और ओलियम मींस ऑयल। तो सो पेट्रोलियम मींस ऑयल्स फ्रॉम रॉक्स, मींस जो पेट्रोलियम है वो रॉक्स में से एक टाइप ऑफ ऑयल की तरह बनाया जाता है। मींस ऑयल बनता है रॉक्स में, पेट्रोलियम बनता है। तो पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है? तो देखो, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पेट्रोलियम है वो डेड रिमेन्स मींस मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो सी में बरीड हो जाते हैं, मींस सी में नीचे उतर जाते हैं। मिलियन ईयर्स एगो ये ऐसा हुआ था जिससे पेट्रोल बनाया गया। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन हैविंग वन आर मोर देन 100 कार्बन आइटम्स। मींस पेट्रोलियम एक मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी है और उसके साथ 100 कार्बन एटम्स भी है। और ये माना जाता है कि मिलियन ईयर्स एगो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी, मींस मिलियन ईयर्स के पहले प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो सी में डाइड हो गए थे, मर गए थे। और देयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, मींस सैंक मींस वो डूब गए थे सी के नीचे तक, और उसके ऊपर क्ले और सैंड कवर हो गया था। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मींस एयर की गैर हाजिरी में ये सब बना था। तो ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कन्वर्ट होके पेट्रोलियम बन गया। नाउ वी विल सी हाउ पेट्रोलियम इज ऑब्टेन, पेट्रोल कैसे हमें मिलता है। तो कि पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड एबो द लेयर ऑफ वाटर, मींस पानी के ऊपर भाग लेयर में ये हमें मिलता है। पेट्रोल एकदम हल्का होता है और नेचुरल गैस और भी लाइटर होता है, इसलिए वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल द एरियाज वेयर पेट्रोलियम मे बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय एक्सपर्ट्स। तो पहले तो पेट्रोलियम जो है वो एक्सपर्ट्स ने लोकेटेड किया था एक प्लेस के ऊपर जहां पर ड्रिलिंग किया जाता है, मींस बड़े बड़े वेल्स बनाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के मशीन के द्वारा, और उसमें पाइपलाइन इंसर्ट करते हैं जिससे पेट्रोल को हम डिपॉजिट मींस ऊपर खींचकर ला सकते हैं। उसके अंदर इंटरनल प्रेशर किया जाता है जिससे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल गैसेस होकर पाइप्स में ऊपर आते हैं। और ये इंडिया के असम और गुजरात स्टेट में हमें मिलता है। गोदावरी और रिवर बेसिन, मींस गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन के पास ये पेट्रोलियम हमें मिलता है। नाउ रिफाइनरिंग ऑफ पेट्रोल हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें।